गया यूपी ट्रिपल एस जूनियर असिस्टेंट का इंटरव्यू को कैसे क्रैक करना है या कैसे पास करना है इंटरव्यू को, तो इंटरव्यू की तैयारी कैसे की जाए उसके लिए आज मैं ये स्पेशल वीडियो बनाया है जो आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता है। इसे देखिए, पूरा वीडियो देखिए और इसमें आपको पता चलेगा कि किस तरह से इंटरव्यू दिया जाता है, कहाँ पर क्या शब्द बोलना है, किस तरह से बोलना है, कैसे अंदर जाना है, ये सब आपको यहाँ पर पता चलेगा। चलिए आइए देखते हैं। हाउ टू प्रिपेयर फॉर जूनियर असिस्टेंट इंटरव्यू। हाउ कैन वन प्रिपेयर फॉर परफेक्ट इंटरव्यू, इट इज बिग क्वेश्चन। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि इंटरव्यू की तैयारी कैसे की जाए। वी कॉन्ट प्रोवाइड टू यू एक्जैक्ट क्वेश्चन विच टू बी आस्क्ड इन इंटरव्यू। इंटरव्यू में क्या पूछा जाएगा इसकी तो परफेक्ट क्वेश्चन या एग्जैक्ट क्वेश्चन तो नहीं बताया जा सकता है, बट वी प्रोवाइड यू एक्सपेक्टेड एरियाज फ्रॉम वेयर क्वेश्चन में आस्क इन इंटरव्यू। बट हम यहाँ पर ये बता सकते हैं कि किन किन एरिया में आप लोगों से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। वन दिस इज नोटेड दैट इंटरव्यू इज असेसमेंट ऑफ योर सेल्फ एंड योर नॉलेज। इंटरव्यू यह है कि आपके बेस से असेसमेंट और आपके नॉलेज पर ही निर्धारित किए जा सकते हैं, और सो यू हैव टू बी साउंड इन ईच एरिया। वी कैन गिव यू टिप्स हियर बट यू हैव टू प्रिपेयर फॉर इंटरव्यू। यहाँ पर आपको हम टिप्स जरूर दे देंगे, कुछ टिप्स दे देंगे, लेकिन मेन जो थिंग है आपको प्रिपेयर जो करनी है वो खुद से ही प्रिपेयर करनी है। लेकिन हम यहाँ पर आपको बता देंगे कि क्या आप लोगों को पढ़ाई करना है, क्या तैयारी करना है, किस तरह से करना है। सो चेक इम्पोर्टेंट एरिया फॉर इंटरव्यू क्वेश्चन। तो चलिए चेक करते हैं कि इंटरव्यू में क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आगे एरिया टू प्रिपेयर फॉर इंटरव्यू। इंटरव्यू की तैयारी के लिए जो एरिया डिसाइड किए गए हैं वो इस प्रकार है। इंटरव्यू आर बेसिकली बेस्ड ऑन सिक्स एरिया। इंटरव्यू जो होता है मेन जो आधारित है वो छः क्षेत्र में समझिए वो आधारित है सिक्स एरिया। पहला जो है वो पर्सनल इंफॉर्मेशन है। पर्सनल इंफॉर्मेशन मतलब कि आपको खुद के बारे में नॉलेज होना चाहिए, आप क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, ये सारे बातें आपको खुद के बारे में जानना जरूरी है। दूसरा जो है वाई गवर्नमेंट जॉब, आपको गवर्नमेंट जॉब क्यों चाहिए। क्वेश्चन रिलेटेड टू गैप, जैसे आपका इंटरमीडिएट में गैप हो गया है या ग्रेजुएशन में गैप है जो भी, या प्रीवियस जॉब जॉब कर रहे थे या छोड़ दिए हैं, करेंट जॉब या फिर अभी भी जॉब है, या एक्सपीरियंस जो भी है वो। अगला है तीसरा नंबर क्वेश्चन फ्रॉम योर एकेडमी, स्पेशली फ्रॉम ग्रेजुएशन। ग्रेजुएशन से रिलेटेड आपके क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। अगला जो है वो नॉलेज ऑफ पोस्ट एंड डिपार्टमेंट। डिपार्टमेंट है नॉलेज ऑफ पोस्ट, किस पोस्ट के लिए आप ये फॉर्म अप्लाई किए हैं और कौन से डिपार्टमेंट लेना चाहते हैं उसके बारे में भी आपको जानकारी होना अच्छे से आवश्यकता है। पांचवा जो है वो इंटरव्यू कंडक्टिंग ऑर्गेनाइजेशन, मतलब कि इंटरव्यू कौन से संस्था या कौन से कंपनी कंडक्ट कर रही है ले रही है, तो उसके बारे में आपको जानना जरूरी है। छठवा जो है वो जीके करंट अफेयर्स ऑफ इंडिया यूपी एंड कंप्यूटर नॉलेज बेसिक क्वेश्चन, मतलब कंप्यूटर नॉलेज के साथ साथ करंट अफेयर्स जो इंडिया और यूपी से रिलेटेड है उसे आपको जानना बहुत ज़रूरी है। अगला सातवां जो क्वेश्चन आज जाता है, मतलब ये छठवां का ही पार्ट है समझिए, तो नॉलेज ऑफ उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के बारे में आपको जानना है, इट्स करंट अफेयर सराउंडिंग न्यूज इंपॉर्टेंट डिसीजन स्कीम बाई गवर्नमेंट, मतलब सरकार की तरफ से क्या क्या योजनाएं चल रही हैं, कौन सा न्यूज आजकल फेमस है, इंपॉर्टेंट डिसीजन क्या क्या है इस समय हैं, वो सब आपको अच्छे से, ये मेन छः चीज़ जो है आपको अच्छे से तैयार करना है। तो इसके और डिटेल में चलिए हम आपको बताते हैं जो आपको बहुत ही हेल्पफुल करेगा आपको आपके इंटरव्यू में और आपकी किस्मत भी बदल सकती है। ये छह बातें आप लोग अच्छे से डिटेल में जान जाएंगे। तो जो देखते हैं पर्सनल इंफॉर्मेशन था, और एनी इंटरव्यू प्रिपरेशन ए कैंडिडेट शुड प्रिपेयर ए डिटेल बायोडाटा ऑफ हिमसेल्फ फॉर एनी, किसी भी इंटरव्यू के लिए। ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ यूपी ट्रिपल एस जूनियर असिस्टेंट के ही इंटरव्यू के लिए, ये किसी भी
इंटरव्यू के लिए जो 6 टिप्स मैं दे रहा हूँ वो हर जगह इंटरव्यू में यूज किया जा सकता है। कैंडिडेट को पहले खुद से तैयार करना चाहिए, बायोडाटा को खुद से तैयार करना चाहिए, और उसमें योर क्वालिफिकेशन, योर प्लेस, डेट ऑफ बर्थ, वेयर यू हैव स्टडीड, योर हॉबीज, मतलब कि आपके जो भी क्वालिफिकेशन है, स्थान, जन्म स्थान कहाँ पर है, प्लेस या फिर स्टडी आपने कहाँ से किया, आपकी हॉबीज क्या क्या है, एक्स्ट्रा एक्टिविटीज आपकी क्या है, योर फैमिली, अपने परिवार के बारे में, ये सब मेंशन किया जाना चाहिए आपके बारे में। इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन कैंडिडेट नीड टू बी मोर कॉन्फिडेंट। ऐसा क्वेश्चन होने से कम कैंडिडेट जो है, जो इंटरव्यू देने जा रहा है, वो ज़्यादा ही कॉन्फिडेंट में होता है और उसे किसी भी प्रकार का डर नहीं होता है। एज दे बिलोंग टू यू एज पर्सनल, सो यू नीड टू आंसर दिस क्वेश्चन, क्योंकि ये आपके पर्सनल से रिलेटेड रहेगा क्वेश्चन, क्योंकि बायोडाटा जो है, इसलिए आप इसे अच्छे से पोलाइट मैनर के साथ में आप इसके आंसर दे सकते हैं। दे मे आस्क पॉजिटिव एंड नेगेटिव क्वालिटी ऑफ यू, आपसे इसमें पूछा जाएगा कि आपने क्या क्या पॉजिटिव क्वालिटी है या क्या नेगेटिव क्वालिटी है, वो आप बताएं। तो इसके लिए आप पहले से ही इसके आंसर को तैयार करके रखे रहें कि आपके अंदर क्या पॉजिटिव क्वालिटी है और क्या नेगेटिव क्वालिटी है। आगे चलिए देखते हैं, वाई गवर्नमेंट जॉब, आपको गवर्नमेंट जॉब क्यों चाहिए? तो इसका बहुत ही लोग इस तरह से आंसर दे देते हैं कि ओपनली मैनर, मतलब कि ये आपको ज़रूरत है, या फिर इस तरह के आंसर नहीं देना चाहिए। तो इसमें चलिए किस तरह से दिया जाता है वो मैं बता रहा हूँ। व्हेन यू आर गोइंग फॉर एनी गवर्नमेंट जॉब इंटरव्यू, जब आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब के इंटरव्यू के लिए जाते हैं, तो यू हैव टू वेरी क्लियर इन योर माइंड, आपको अपने दिमाग में ये क्लियर कर लेनी चाहिए कि व्हाई यू वांट टू ज्वाइन गवर्नमेंट सेक्टर, आप गवर्नमेंट सेक्टर को क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं। तो ये बात को आपको अपने दिमाग में अच्छे से सेट कर लेनी चाहिए कि आप गवर्नमेंट सेक्टर में क्यों जाना चाहते हैं। तो आगे देखते हैं इसमें क्या है। ए गवर्नमेंट जॉब प्रोवाइड्स जॉब सिक्योरिटी, गवर्नमेंट जॉब इसलिए चाहता हूँ क्योंकि ये हमें जॉब सिक्योरिटी प्रदान करती है, और कमांड मच मोर रिस्पेक्ट इन सोसाइटी देन ए प्राइवेट जॉब। तो इसमें एक और प्रॉफिट ये होती है कि हमें सोसाइटी, समाज समाज में रिस्पेक्ट मिलती है प्राइवेट जॉब, प्राइवेट एम्प्लॉयर से अधिक इसमें रिस्पेक्ट मिलती है, सम्मान मिलती है। बाय एनी चांस इफ सम ऑफ योर रिलेटिव पेरेंट्स ETC आर एसोसिएटेड विद ए गवर्नमेंट जॉब और बैंक, बाई चांस ये समझे कि आपके रिलेटिव, जैसे कोई भी आपके चाचा मामा या फिर भाई कोई भी गवर्नमेंट जॉब में है, तो यू शुड सेट द एग्जाम्पल, आप ये एग्जाम्पल में दे सकते हैं कि हाँ, मैंने उनसे इंस्पायर, प्रेरणा लिया और मैं इसलिए गवर्नमेंट जॉब करना चाहता हूँ। अब यहाँ पर आपको कि ये कभी नहीं ये कहना चाहिए कि वो आई डिड नॉट गेट एनी अदर जॉब और आई नीड जॉब एनी कॉस्ट, ये नहीं कहना चाहिए कि आपको गवर्नमेंट जॉब के अलावा कोई जॉब नहीं चाहिए, और मैं किसी भी कॉस्ट पर ये करने के लिए तैयार हूँ, या किसी प्रेशर में प्राइवेट जॉब के बारे में नहीं कहना। आपको ये नहीं कहना चाहिए कि देयर इज ए लॉट प्रेशर ऑफ इन प्राइवेट सेक्टर, जिस प्राइवेट सेक्टर में बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, यू वुड बी काउंटर्ड विद मोर रिक्वेस्ट, इस आपको और भी इस तरह के क्वेश्चन नहीं, आंसर नहीं देना चाहिए इस तरह के क्वेश्चन पर। चलिए आगे देखते हैं, व्हाई दिस जॉब, आपको ये जॉब क्यों चाहिए? दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड आस्क एंड हैज बीन आस्क इन इंटरव्यू बोर्ड रेगुलरली। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं कि आपको ये जॉब क्यों चाहिए। बाई दिस क्वेश्चन सिंपली दे वॉन्ट टू नो, इस क्वेश्चन के माध्यम से वो ये जानना चाहते हैं कि वाई यू वांट टू ज्वाइन एज जूनियर असिस्टेंट क्लर्क। इस क्वेश्चन के माध्यम से वो जानना चाहते हैं कि आप जूनियर असिस्टेंट क्लर्क वाली जो जॉब है वो आप क्यों पाना चाहते हैं, क्यों आप ये जॉब करना चाहते हैं। इफ़ यू आर गोइंग फॉर जूनियर असिस्टेंट इंटरव्यू विद बीटेक, BCA, MCA, MBA डिग्री, यदि आप
जिन्होंने बीटेक किए हुए हैं, बीसीए किए हुए हैं, एमसीए किए, एमबीए डिग्री लिए हुए हैं, तो आप जूनियर असिस्टेंट इंटरव्यू देने जाते हैं, तो उस समय प्रोमिनेंट दिस प्रोमिनेंट क्वेश्चन विल बी आस्क फ्रॉम यू। तो इस तरह के क्वेश्चन आप महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। व्हाई यू वांट टू ज्वाइन एज ए जूनियर असिस्टेंट या क्लर्क विद टेक्निकल डिग्री? आप टेक्निकल डिग्री लेने के बावजूद भी ये क्वेश्चन, ये जॉब क्यों करना चाहते हैं? अगला जो है, आर नॉट यू ओवर क्वालिफाइड फॉर दिस जूनियर असिस्टेंट पोस्ट? इस तरह के दो क्वेश्चन ये पूछे जा सकते हैं जब आप ज़्यादा पढ़े लिखे हुए या टेक्निकल डिग्री लिए हुए हैं। तो इफ़ यू हैव अ गैप आफ्टर इंटरमीडिएट, दे मे आस्क यू क्वेश्चन अबाउट दैट गैप, सो यू हैव टू बी रेडी फॉर दैट। अगर आपने इंटरमीडिएट के बाद अगर गैप कर दिया है, तो वो आपसे पूछेंगे ये चीज़ कि आपने गैप क्यों किया है इंटरमीडिएट के बाद। तो इसका आंसर आपको पहले से ही रेडी करके रखते होना चाहिए, ताकि जिस समय पूछा जाए तो उस समय आप हिचकिचाए ना या फिर डरे ना, आप डायरेक्ट वहाँ पर इसका आंसर दे सके कि किस कारण से आपने इंटरमीडिएट के बाद गैप किया है, या कुछ सालों का अंतर जो भी है वो आप बता सके वहाँ पर। इसमें और भी है ये, इफ यू हैव एनी जॉब एक्सपीरियंस देन दे मे आस्क अबाउट योर प्रीवियस करेंट जॉब। अगर आपके पास जॉब एक्सपीरियंस है तो वो पूछते हैं प्रीवियस जॉब या करंट जॉब के बारे में, और अबाउट दैट ऑर्गेनाइजेशन है वो संस्था के बारे में या संगठन के बारे में पूछते हैं, योर वर्क आपके काम के बारे में पूछते हैं, आपकी क्या पोजीशन थी उस कंपनी में, रीजन फॉर लीविंग, आप क्यों छोड़ दिए वो कंपनी, इट्स, ये सब वहाँ पर आपसे पूछ सकते हैं अगर आप एक्सपीरियंस कैंडिडेट हैं तो। सो यू हैव टू आंसर दिस क्वेश्चन इन ए जेन्युइन मैनर, नीड टू आंसर दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन इन ए कन्विंसिंग मैनर। ये जो भी जेन्युइन मैनर, ये जो भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, तो इन सबका आपको जेन्युइन मैनर के साथ आंसर देना चाहिए। डोंट मेक फॉल्स आर्गूमेंट, आपको गलत आर्गूमेंट कमेंट नहीं करने चाहिए, और कॉन्फिडेंट में आके गलत बातें कुछ ना बोल दें। आंसर शुड बी जेन्युइन अकॉर्डिंग टू यू, आपको जो अच्छा लगे आंसर, आपके तरफ से जेन्युइन आंसर जो हो वो आपको इन सब का आंसर देना चाहिए। सब्सक्राइब जरूर करिएगा मेरे इस चैनल को। आगे चलिए देखते हैं, नॉलेज ऑफ पोस्ट एंड डिपार्टमेंट। आप कहीं पर भी इंटरव्यू देने जा रहे हैं या फिर देना चाहते हैं, तो उससे पहले आपको एक चीज़, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि आपको वो उस बारे में पता होना चाहिए कि कौन से डिपार्टमेंट में आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं या किस पोस्ट के लिए इंटरव्यू देने जा रहे हैं, वो चीज़ आपको पता होना चाहिए। तो कैंडिडेट मस्ट नो अबाउट जूनियर असिस्टेंट पोस्ट लाइक वर्क ऑफ जूनियर असिस्टेंट, ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ जूनियर असिस्टेंट पोस्ट। ये कैंडिडेट को ये पता होना चाहिए कि ये जानकारी होनी चाहिए कि वो जूनियर असिस्टेंट की ड्यूटी कैसी होती है, क्या क्या रिस्पॉन्सिबल होती है, होना चाहिए जूनियर असिस्टेंट को। तो मैंने भी एक बताया भी था पिछले वीडियो में कि जूनियर असिस्टेंट जिसे कहते हैं कनिष्ठ जिसे कहते हैं, तो वो किसी ऑफिसर या के नियंत्रण में कंट्रोल में काम करते हैं, जो उनका लेखा जोखा सब देखते हैं या फिर उनके कागज को मेंटेन करके रखे रहते हैं, वो जूनियर असिस्टेंट कहलाते हैं। तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। कैंडिडेट आल्सो हैव नॉलेज ऑफ डिपार्टमेंट इन विच दे में रिक्रूटेड। कैंडिडेट को ये पता होना चाहिए, ये जानकारी होनी चाहिए कि वो किस विभाग में इंटरव्यू देने जा रहे हैं और किस विभाग के वो रिक्रूटेड किए गए हैं। इट इज़ वेल नोन डेट SSC हैज अनाउंस वैकेंसी इन 77 डिपार्टमेंट। आपको ये पता होना चाहिए कि जूनियर असिस्टेंट का जो इंटरव्यू हो रहा है, वो ये जो वैकेंसी निकली थी वो उसमें 77 डिपार्टमेंट के लिए वैकेंसी निकली थी। आगे चलिए देखते हैं, लाइक और शेयर करना भी ना भूलें और सब्सक्राइब करना भी ना भूलें मेरे इस चैनल को। वो देखते हैं अबाउट ऑर्गेनाइजेशन,
आपको आपके संगठन के बारे में, संस्था के बारे में अच्छे से जानकारी होना बहुत जरूरी है। कैंडिडेट मस्ट हैव इंफॉर्मेशन अबाउट यूपी ट्रिपल एससी। कैंडिडेट को यूपी ट्रिपल एससी के बारे में जानकारी होना जरूरी है, जैसे कि यूपी ट्रिपल एससी कब बना, इसका नींव कब रखी गई थी, या यूपी ट्रिपल एससी का पूरा नाम क्या होता है। तो उत्तर प्रदेश सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन इसका फुल फॉर्म होता है, ये आपको याद होना चाहिए। इट्स वर्क एरिया है हिस्ट्री प्रोफाइल, इसके क्या क्या काम है, यूपी ट्रिपल एससी का क्या काम है, किस क्षेत्र में काम करती है यूपी ट्रिपल एससी, इसकी हिस्ट्री क्या है, इतिहास क्या है, इसके प्रोफाइल कैसे हैं। इफ यू आर एम्प्लॉयड एनी वेयर यू मस्ट बी आस्क अबाउट दैट ऑर्गेनाइजेशन। अगर आप पहले कभी कहीं पर भी एम्प्लॉय रह चुके हैं तो आपके ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पूछेंगे कि ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, किस तरह से काम होता है, कैसे आप किस पोजीशन पर थे, वो सब पूछे जा सकते हैं। कैंडिडेट नीड टू आंसर कॉन्फिडेंटली, कैंडिडेट को ये इन सभी के आंसर जो है वो कॉन्फिडेंटली देने चाहिए। डोंट मेक रॉन्ग स्टेटमेंट, गलत स्टेटमेंट बिल्कुल भी ना दें, नहीं तो आप थोड़ा सा भी गलत स्टेटमेंट देंगे तो शायद इंटरव्यूअर पर ये जान जाएंगे कि आप कुछ तो गलत बोल जरूर बोल रहे हैं उसके बारे में। दिस लीड्स टू निगेटिव मार्किंग, और आप में अगर आप उन्हें लगा कि आप गलत आंसर दे रहे हैं तो आप में निगेटिव मार्किंग ऐड कर देंगे। इफ यू डोंट नो द आंसर बट स्टिल वांट टू मेक ए गेस देन आस्क इंटरव्यूअर इन पोलाइट मैनर। अगर आप इसका आंसर नहीं जानते हैं तो गेस करके इंटरव्यू से पोलाइट मैनर के साथ ही अच्छे से शांति सम्मान से आप पूछ सकते हैं कि सर आई डू नॉट नो एग्जैक्ट आंसर, मुझे उचित उत्तर पता नहीं है, बट इफ यू अलाउ मी टू मेक ए गेस देन माई आंसर इज, अगर आप आज्ञा दे तो मैं गेस कर सकता हूँ कि आंसर क्या हो सकता है। चलिए ये देखिए, छठवां जो है करंट अफेयर्स एंड एकेडमिक नॉलेज है। बी थ्रो विद करंट अफेयर्स फ्रॉम पास्ट 3-4 मंथ्स। आपको पिछले तीन, जब भी आपका इंटरव्यू हो उसके पिछले 3-4 महीने का करंट अफेयर्स अच्छे से याद होने चाहिए, अच्छे से पढ़े होने चाहिए। रिसेंट अवार्ड क्या, रिसेंट अवार्ड के बारे में जानना चाहिए आपको। मेजर इश्यूज क्या क्या हैं, स्पोर्ट रिलेटेड क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं, वो भी आपके लिए जानना अति आवश्यक है। स्टेट गवर्नर्स एंड चीफ मिनिस्टर, कंट्रीज कैपिटल्स, करेंसी पार्लियामेंट, मतलब हर जैसे देश राजधानी करेंसी संसद कंप्यूटर नॉलेज, हर चीज़ के बारे में आपको पता होना चाहिए, ये ताकि इंटरव्यूअर जो भी हो क्वेश्चन करे वो आप आसानी से बता सके। बी थ्रो विद बेसिक कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी, आपको बेसिक कंप्यूटर के बारे में भी अच्छे से जानना चाहिए, कंप्यूटर क्या होता है, इसके आविष्कारक कौन है, कब किया गया था इसका आविष्कार। डोंट हेसिटेट, आपको किसी भी तरह की हेसिटेट नहीं होना है, और मेक ए गेस, आप गेस नहीं करना। फोकस मोर ऑफ करंट अफेयर्स एंड जनरल नॉलेज, आपको उत्तर प्रदेश के करंट अफेयर्स और जनरल नॉलेज के बारे में ज़्यादा फोकस करनी चाहिए, क्योंकि ये जो इंटरव्यू है यूपी ट्रिपल एससी यूपी के तरफ से है, इसलिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा उत्तर प्रदेश के जनरल नॉलेज पर फोकस करना चाहिए और करंट अफेयर्स पर। दे में आस्क क्वेश्चन फ्रॉम योर एकेडमिक नॉलेज, वहाँ पर आपसे ये भी पूछे जा सकते हैं आपके एकेडमिक नॉलेज के बारे में, कि आपके एकेडमी आप किस एकेडमी से पढ़े हुए हैं, क्या किए हुए हैं, उनके बारे में भी पूछेंगे। कैंडिडेट मस्ट हैव नॉलेज ऑफ यूपी कैबिनेट, यूपी कैबिनेट में कौन कौन से मंत्री हैं उनके बारे में पूछे जाएंगे, नया गवर्नमेंट कौन सा है, क्या है, योजनाएं चल रही हैं, लेटेस्ट अपॉइंटमेंट क्या है, कि नए नए मंत्रियों के किस पद पर है या कौन सा नियुक्ति किया गया है, ये भी आपको जानना बहुत जरूरी है। एनी बर्निंग इशू इन लास्ट 3-4 मंथ, इन 3-4 मंथ पहले की जितनी भी बातें हैं वो सब आपको पता होनी चाहिए। देखिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टिप्स जो है ये टिप्स टू क्रैक ऑन एन जूनियर असिस्टेंट इंटरव्यू।
जूनियर असिस्टेंट इंटरव्यू के क्रैक करने के टिप्स जो हैं वो मैं बता रहा हूँ। ये ऐसे टिप्स हैं जिससे कि आप कोई भी इंटरव्यू दें, जूनियर असिस्टेंट भी या उसके अलावा भी, तो हर जगह आपको ये काम करेंगे। चलिए पहला टिप्स जो देखते हैं, हियर गिवेन द फॉलोइंग टिप्स विच वन हैव टू रिमेम्बर वाइल अटेंडिंग एन इंटरव्यू। यहाँ पर जो भी टिप्स दिए जा रहे हैं वो आपको हर जगह इंटरव्यू में आपके लिए अच्छे साबित होंगे। बी कॉन्फिडेंट, पहला जो है ये यहाँ पर मिस्टेक हो गया था, ये पहला है, पहला जो है वो बी कॉन्फिडेंट एंड स्टे फोकस्ड। आपको एकदम कॉन्फिडेंट में होना चाहिए और स्टे फोकस्ड, मतलब सीधे देखते रहना चाहिए। इनहेंस योर कम्युनिकेशन स्किल, आपको अपने कम्युनिकेशन स्किल को अच्छे से बनाकर बोलना चाहिए। अब उनसे बातचीत जो भी करेंगे वो अच्छे से करेंगे। इट इज़ द मेन थिंग विच मेक्स द डिफरेंस, यह सबसे इम्पोर्टेंट थिंग होता है जिससे आपके आप में और सभी से अंतर को बताया जा सकता है और आपकी क्वालिटी को परखा जा सकता है। अगला जो है वो स्टे काम एंड डोंट हेसिटेट। आप सीधे शांत बैठे रहिए और सीधे देखते रहिए और किसी भी तरह का हेसिटेट मत होइए, हिचकिचाइए नहीं किसी भी तरह से। फोकस विल बी ऑन हियरिंग द इंटरव्यूअर व्हाट ही आस्किंग। या आपको ये फोकस करनी चाहिए कि इंटरव्यू आपसे क्या पूछ रहा है, ऐसा नहीं कि आपका ध्यान कहीं पर और चला गया, इंटरव्यू कुछ और पूछ रहा है और आप कुछ और का उत्तर दें, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको अच्छे से फोकस करना चाहिए कि इंटरव्यूअर क्या आपसे पूछ रहा है, एक ही बार में पूरा क्वेश्चन सुनने का प्रयास करें। अगला जो है पे अटेंशन एंड रिगार्ड टू ईच ऑफ द मेंबर ऑफ इंटरव्यू पैनल। आपको अटेंशन की अवस्था में होना चाहिए और ये जितने भी इंटरव्यूअर पैनल है, मेंबर के सदस्य हैं, उन सबके सामने अच्छे से जवाब दें। डोंट आर्गुमेंट इन एनी सिचुएशन, आपको किसी भी सिचुएशन में एक्स्ट्रा कुछ भी कमेंट वगैरह नहीं करना है विद द इंटरव्यूअर इंटरव्यूअर के साथ। इट मे लीड्स टू शोइंग योर निगेटिव कैरेक्टरिस्टिक। अगर आप किसी भी तरह से गलत आर्गुमेंट करते हैं तो आपके निगेटिव कैरेक्टर में निगेटिव चरित्र को प्रदर्शित करता है। अगला जो है इम्पोर्टेंट थिंग वो है बी वेल ड्रेसेस। आपको अच्छे से ड्रेस में पहन कर जाना चाहिए इंटरव्यू देने के लिए। कॉन्फिडेंट विल बी शोन ऑन योर फेस, और आपके फेस पर हमेशा वो कॉन्फिडेंट दिखाई देना चाहिए कि आप इंटरव्यू देने के लिए आए हैं। अगला जो इम्पोर्टेंट टिप्स है वो है आंसर टू इच क्वेश्चंस विद ए ऑनेस्ट स्माइल ऑन योर फेस। आपको जो भी क्वेश्चन आप क्वेश्चन का आंसर देंगे वो सब ऑनेस्ट स्माइल होना चाहिए आपके फेस पर, मतलब कि आप एकदम धीमा धीमा अच्छे से स्माइल करते रहिए और जवाब देते रहिए। ऐसा नहीं कि कस कर हंस के आप जवाब दे दें तो ये, या फिर बिना हंसे चुपचाप इसी तरह मायूस होकर आंसर का क्वेश्चन क्वेश्चन का आंसर दें, तो इस तरह से ना होना चाहिए। आप थोड़ा थोड़ा हंसते रहिए और जवाब दीजिए अच्छे से स्माइल करके धीमा धीमा। अगला जो टिप्स है वो मैक्सिमम मार्क्स यू कैन गेट बाय योर एटीट्यूड। यहाँ पर अधिकतम मार्क्स जो इंटरव्यू में दिया जाता है वो आपके एटीट्यूड पर दिया जाता है, आपके व्यवहार पर दिया जाता है। कीप योर एटीट्यूड पॉजिटिव ऑलवेज। आपको अपने एटीट्यूड को हमेशा पॉजिटिव रखना चाहिए, आपका जो व्यवहार है वो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। डोंट हेसिटेट टू आस्क फॉर वाटर। अगर आप इंटरव्यू दे रहे हैं तो उस समय अक्सर ये होता है कि कितने लोग को ऐसा होता है कि होंठ सूखने लगते हैं, गले सूखने होते हैं, तो उस समय आप संकोच ना करें कि पानी मांगने के लिए, वहाँ पर पानी रखे हुए रहता है और जब चाहे तब पानी मांग सकते हैं और बिना कुछ मतलब कि संकोच किए हुए आप पानी पी सकते हैं। अगला चलिए देखते हैं टिप्स है वो आंसर इच क्वेश्चन विद कॉन्फिडेंट एंड हम्बलनेस। आप जो भी क्वेश्चन देंगे वो कॉन्फिडेंस के साथ देंगे और हम्बलनेस के साथ देंगे। डोंट टेक टू मच स्ट्रेस, आपको स्ट्रेस नहीं लेना है, बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लेना है इंटरव्यू देते समय। अगला जो है
टिप्स वो डोंट शोइंग योर फ्रस्ट्रेशन, आपको फ्रस्ट्रेशन भी यहाँ पे हिचकिचाहट जो जो है वो भी नहीं शो करना है, या होपलेसनेस नहीं होना है आफ्टर इंटरव्यू के। जब आप इंटरव्यू दे लेते हैं तो उस समय आपको होपलेसनेस भी नहीं होना है, निराशा भी नहीं होना है। अगला जो है कन्वे योर रिगार्ड आफ्टर इंटरव्यू ही होगा। आपको जब इंटरव्यू आपका ख़त्म हो जाए तो आप को सम्मान सम्मान देना चाहिए इंटरव्यूअर का, और अच्छे से पेश आना चाहिए। अगला जो क्वेश्चन है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जरा वहाँ जो टिप्स है यहाँ पर। मोस्ट ऑफ द इंटरव्यू विल हेल्ड फॉर मैक्सिमम 10 to 15 मिनट, जिसे बहुत ज़्यादा इंटरव्यूअर अगर समय लेता है तो वो आपके सिर्फ 10 to 15 मिनट ही, मतलब 10 से 15 मिनट ही आपका समय लेता है। और इसीलिए मैं ट्राई टू गिव योर 100% इन दीज 15 मिनट, और यही 15 मिनट में आपको अपने 100% पूरे दिखा देना है कि आप क्या चीज़ हैं। मतलब आप ऐसा जवाब दें सारे क्वेश्चन का कि उन्हें लगे कि हाँ ये 100% मतलब कि अच्छे से तैयारी करके आए हैं आप, और उनके लिए आप अच्छे से इंटरव्यू दे रहे हैं। तो शो द बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ इन द इंटरव्यू हॉल, और ऐसा लगे कि आप इंटरव्यू हॉल में अच्छे से बिल्कुल अच्छे तरीके से आप इंटरव्यू दे रहे हैं। गिव देम एवरी रीजन टू सिलेक्ट यू, और आपको ऐसा फील करना है, ऐसा फील कराना भी है इंटरव्यूअर को भी वो किसी भी रीजन से आपको सिलेक्ट कर ले, ऐसा आपको वहाँ पर बने रहना। आगे चलिए, ऑल द बेस्ट। ये है कि जो लोग यह वीडियो पहली बार देख रहे हैं वो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं जो भी वीडियो डालूंगा वो आप तक आसानी से पहुंच जाएंगे। अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। एक चीज़ और यह है, सब्सक्राइब करने से ये फ़ायदा होगा कि मैं जो भी वीडियो डालूंगा वो आप तक आसानी से तो पहुंच जाएगी, लेकिन उसमें एक बेल का आइकन होता है जो नोटिफिकेशन देता है कि उस आप तक वीडियो पहुंचने का, तो बेल का आइकन जरूर दबाएं। धन्यवाद।